राजू भाई वो सब बात ठीक है आपकी, पर इसका काम था हम सबको बताने का। हम बिंदास घूम रहे हैं ना, तो बताया ना भाई, इसको दो बार हो चुका है ये बता रहा है। और अभी जब मैं लकड़ी लेने गया ना, मेरे साथ भी ऐसा ही हादसा हुआ। मेरे साथ भी हादसा हुआ, सही नहीं है। जब मैं लकड़ी ले रहा था ना, अरे ने क्या बोल के लेके आया, क्या बोल रहे भाई तेरे साथ क्या। एक छूट फट्टू, तो फट्टू तेरी भी फट रही। मैं फटता नहीं हूँ, पर जब हम लकड़ी लाने गए ना, जब मैं लकड़ी ले रहा था तो लकड़ी दिल से आके भाग रही। जावेद भाई फट्टू किसको बोल रहा है यार, फट्टू किसको बोल रहा है, ये खुद फट्टू है। आप क्या बोल रहा, उसको बोलने दो ना, तुम बोलने का मौका ही नहीं दे रहे। पहले क्या बोलता, सुन ले सब, ठीक है बोल 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 ना फिर। मैं मान रहा मुझसे गलती हो गई, मैंने खजाने के चक्कर में तुम्हारा बोला होटल में, अर्जुन तेरे को बोला, ठीक है इसके अंदर बिस्किट है, तुम लोग नहीं खाए होंगे तो खाओ। मैंने वहाँ पे बोल दिया था कि मुझे एक सपने आते, उमर क्या बोला, बड़ा बड़ा फेंक रहा, फिर भी मैं लाइट नहीं ले लिया। तो तुम्हारे को बताने का मेरे पास कोई मकसद ही नहीं था, इसलिए मैं तुम्हारे को पिकनिक का बहाना करके लेके आया। पूरी बात मैंने अर्षद को भी बोली थी, जब आप उन साइड में बैठे थे तब मैंने अर्षद को भी ये बोला था। अर्षद नहीं यार, अरे राजा बोला कर, राजा राजा। तो ये बात मैंने राजा से भी पर्सनल में डिस्कस की जब फर्स्ट टाइम अपनी जंगल में एंट्री हुई थी, तब कि मैं राजा को बोला कि राजा पिकनिक बताया, फिर सब नहीं बताया, मैंने राजा को बोला था, मैंने राजा को बोला था पिकनिक बस एक अपना बहाना है, पिकनिक बस अपना एक बहाना है, अपन अपना पूर्वजों का खजाना ढूंढ रहे। और मैं ये खजाना ढूंढ रहा तो मैं मेरे लिए नहीं ढूंढ रहा, मैं ये तुम लोग के लिए ढूंढ रहा। तो बस अब ये खजाना ढूंढने में बस छोटे मोटे चीज़ों से डरो मत, मुसीबत आने वाली है लेकिन मुसीबत को मैं फेस करूँगा, तुम कूल रहो, टेंशन मत लो, बस कोऑपरेट करो और ऊपर वाले पे भरोसा रखो। ये खजाना जो मेरे फैमिली का जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम सॉल्व करके खजाना अपन साथ लेके जाएंगे, बस यारो तुम्हारा साथ चाहिए। अरे सही भाई रे बाप, अभी तूने जैसे बताया, अब इसके आगे हमारा पूरा साथ तेरे साथ रहेगा और बिल्कुल हम सब मिलके करेंगे। ये तेरी फीलिंग हम पहले से भी जानते थे, पर तो हमें बताता तो जानते थे ना, नहीं बताया हमारे साथ गलतफहमी क्या हो रही क्या नहीं, हमें क्या पता, हम तो दिल को ही डर रहे ना। तो क्या हो रहा तेरे साथ? मेरे साथ कुछ नहीं हुआ भाई, ये दो बार डर गया, एक बार अभी मैं गया। किस खजाने की बात कर रहा है, किस खजाने की बात कर रहा है, जंगल में जाके ये ठीक है। देखो आप तो आगे सब पिकनिक बोल के क्या है, एंजॉय तो होगा, नया जया भी चले गई, चले गई सब छोड़ दो, देखेंगे खजाना मिल गया किस्मत में होगा तो लिखेंगे, तो छोड़ देंगे। निहाल भाई आप ये क्या वक्त है भाई नया जया का नाम निकलने का, आप तो वो तो मेले में घूम गई, ये खजाना बेजाना कुछ नहीं, आप ये मरने का समय नजदीक आ गया है भाई। ठीक है आप सुनते क्या बोलना, सुनो बोलो। तब राजा तेरे को क्या लगता कि मैं जंगल में लाके गलत करा के सही करा, अब ये तू ही डिसाइड कर और इन लोग से पूछ। मुझे तो एक ही लगता है, अभी अपन आने को तो आ गए बरोबर, वापिस तुम में से कोई एक जा सकता क्या? कोई नहीं जाएगा ना, आए साथ में तो जाएंगे भी। और रही बात समीर बोल रहा खजाने की, खजाना मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो उससे भी ज़्यादा ठीक है, ज़्यादा ठीक है। क्यों ठीक है? अभी तो पिकनिक भी हो रही, एंजॉय भी हो रहा और सब, हम है पहले से फ्रेंड ना, आए भी साथ में जाएंगे भी साथ। आ जावेद अब तेरे को क्या लगता? मेरे को तो ये लगता भाई, अब देखो अब इतने दूर तक तो आए, अभी तक तो पता भी नहीं था, पर अब पता चल गया है। चलो देखते हैं, अब इतना रिस्क उठाया और थोड़ा उठाते हैं, अब यहाँ से बाहर निकलने का तो रास्ता इतना ईजी मिलने वाला नहीं, इसलिए जो आए हैं वो काम करेंगे और फिर निकलेंगे, अगर मिल गया तो उसकी किस्मत बदलेंगे या फिर आए वैसा चले जाएंगे। हाँ उमर भाई, क्या बोलते हो उमर भाई, तुम्हारी क्या है राय, पेश करो तुम्हारे अंदाज में। तुम्हारी राय क्या होती यार, अभी नेहा जया की कहानी बताया और हमारे हाथ पे ले लिया, लेके जंगल में पहुंचा दिया, और क्या है अब सोचना, अब जो भी है अब आगे बढ़ना है, पीछे तो हटना नहीं है। चलो सब ठीक है, मुझे मेरे दोस्तों से यही उम्मीद थी, बस अब ऐसा सपोर्ट करके और मेरे हाथ पे हाथ रख के सब एक साथ रहेंगे और खजाना लेके जंगल से निकलेंगे। लेकिन एक वादा कर, तुम हमको भी लीजिए कि मारेगा तो रहना, मेरी जान जाएगी लेकिन तुम्हारे जान को कभी आँच नहीं आने दूंगा। डरवा दर जीवन हो जाएगा इंशाल्लाह। इतना डरता तो इसलिए तो मैंने तेरे को प्यार से क्या बोलता मालूम, तो अब सुनो ना मैं क्या बोला। जावेद अर्जुन राजा निहाल और उमर, मुझे लगता सुबह तक अपन यहाँ पे रेस्ट कर देंगे, फिर सुबह की पहली किरण को यहाँ से निकलेंगे, निकलने का सवाल तो भाई ना, अपन बचेंगे जब बचते भाई, बिल्कुल फट्टू 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 कुल अर्जुन यार मेरे को राजा लग रहा है, यहाँ पे रेस्ट करना अपन।
क्योंकि बहुत देर से चल रही भी बहुत देर से आराम करेंगे आजा। बैठ जाओ आप, कुछ नहीं कहाँ तो भी जा रहा फिर आ रहा हूँ पेशाब से आ रहा हूँ बैठो आप आ जा। अरे भाई तेरे को इधर उधर भाई को तो भी देख रहा, क्या प्रॉब्लम है बोलना? बोल रहे भाई कुछ तो भी अगर प्रॉब्लम है तो बोलना हल। आ जा मजाक कर रहे उमर, चुप भाई साहब टहल रहा हूँ। अगर खुल के बोलेगा ना तो अच्छा रहता, कुछ नहीं समझ रहा तो ऐसे मस्करा पाना नको कर रहे भाई तू। कुछ नहीं है रे बट समझ रहा, पहले जंगल है रे भाई, कई को ऐसे होले काम कर रहा यार उमर मेरे भाई बट। अरे भाई इन क्या क्या तो भी कर रहा है यार, समझ में नहीं आ रहा मालूम तो होगा देखो बट खुल के बोल रहा है उमर भाई। अर्जुन एक मिनट सुनो, एक बात है, जो भी हादसे तुम लोग के साथ हो रहे उसको लाइटली लो आप लोग, दिल पे ना लो, क्योंकि कैसा रहता आप खजाने की बात में बोला, हो सकता कुछ बात दिमाग का वहम हो कुछ चीज़ हो, अक्सर परछाई से भी लोग डरते, तो खुद को कमज़ोर मत समझो। तो ठीक है आप मैं बोल रहा हूँ आज की रात यहीं पे रेस्ट कर दे तो सो जाओ, आराम करो चलो, तुम थोड़ा आगे हो जाओ, गुड नाइट आराम करो, चलो राजा बाबा आराम करो, जल्दी नहीं सकता उमर भाई आराम करेंगे आप, इसके दांत को लग लग के कब तक आ गए बाबा देंगे बाप, अरे लाला आराम करेंगे रे बाबा, यहां से कब्रिस्तान को भी जाना बोले तो मुश्किल है, अपना अपना आराम करेंगे रे बाबा, गुड नाइट गुड नाइट मेरे तकिया तो भी दे रे भाई, कुछ भी नहीं रे सो जा आप, बोर मत कर अर्जुन, अभी आवाज मत दे, ये दिखा वो दिखा रहा दिखा रहे आप देखो आप क्या। हाँ वही बोल रहा हूँ सो जाओ, सुबह निकलेंगे और कोई डरो मत। आजा पानी दो थोड़ा पानी दो यार उसको, सुबह के 5 बज रहे भाई, अरे तुम जॉकेट पहनते क्या, तुम्हारे बहुत ठंड लग रही, अरे अरे पहन लो, हेलो 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 पहन लो जॉकेट पहन लो, चलो फिर चलते थे, चलो अभी छोड़ देंगे अपन ये जगह ठीक है, हाँ छोड़ देंगे समीर, चलो ना यार उड़ जाओ, नहीं बहुत ओवर हो जा रहा है, मेरे रुकने के लिए हुआ, चल जाएंगे ना अपन अभी जाएंगे, अभी तो अभी जगह छोड़ रहे अपन,
अपना आप देखो हाथ लगा के जगह पे, अरे सॉरी अपना अपना सामान उठाओ चलो। अभी ये समीर का बैग है, खूबसूरत नदी दिख रही बाप, पहाड़ी पहाड़ से भाई जंगल जंगल। ये तालाब का समुंदर है, ये तालाब है भाई, तालाब नहीं दिख रहा, तालाब का समुंदर है भाई। डैम है यहाँ पे, नहाएंगे कुछ खाने का आसपास इंतजाम देखेंगे और यहाँ से सीधा निकलेंगे। पहले तैरेंगे यार, पहले तैरेंगे, फ्रेश हो जाते बॉडी भी स्टे होती है, जो करना है करो। चलो आज चलो पहले तैरेंगे, चलो बाकी कुछ तैरेंगे, मस्त है पानी, अच्छा फ्रेश दिख रहा है, मूड भी फ्रेश हो जाता है। एक बार नहा के निकले ना तो फिर कहाँ तक भी चलेंगे आप। क्या ठंडा पानी रे भाई, सुबह सुबह इतना ठंडा पानी। नहा लो, किसे नहाना है तो कौन नहीं छोड़ता भाई ऐसा मौका, नहा लेते अपन। क्या मैं पागल दिख रहा हूँ इतने ठंडे पानी में नहाने, जा भाई जा। बाजू में पेड़ भी है भाई, जिनमें भी फट रही है आप। अरे पेड़ ने फिर से शुरू हुआ रे भाई। अरे भाई वैसे पेड़ को तो हरा एक पत्ता भी नहीं है भाई, कुछ तो गड़बड़ है, फट रही है, फट के हाथ में आ रही सच्ची भाई। देख इतना बड़ा समंदर है, चले गया रे दिमाग से पैदल हो गया इन्हें। चलो चल चल जाओ आप।
जा। किसी को कुछ आवाज आई क्या? नहीं यार समीर, अभी तक तो ऐसी कुछ आवाज नहीं आई। सही बोलो यार। नहीं समीर, सच में यार अभी तक तो कुछ डर लगा नहीं, मैं अब ऐसा लग रहा कुछ होने वाला। कैसी कुछ वॉइस है? आजा आजा। इतना डरा दिया क्या? इतना भी मजाक मत करो भाई, कुछ भी आवाज नहीं आई। डरो मत यार, कुछ नहीं होगा, तुम लोग मैं हूं ना तुम्हारे साथ। चलो मुझे वहां पर कुछ लाइट दिख रही है। क्या है यार अब? अरे वो कुछ लाइट होगी कुछ। हाँ शायद कोई ना कोई है वहां। अच्छा ठीक है बाबा, चाहे अगर कुछ खाने का बंदोबस्त है तो राजा हाँ वहाँ कुछ खा लेंगे। ठीक है आप चलेंगे? चल चल चल, ऐसा हाथ मत रख यार। चल अब पहले कुछ है क्या देखो। चलो जल्दी चलो भाई, सिर्फ बताओ मत भाई, थोड़ी दूर है अभी। चलो आएंगे। हैप्पी लाइट है, इसका मतलब कुछ ना कुछ खाने का बंदोबस्त है, तो यहाँ कुछ खाएंगे जो भी हो और यहाँ से निकलेंगे। अल्लाह रहमान तो बंदा कदरदान। पूछ रहा कहीं कुछ है भाई, सामने है तो खिला ना। नहीं रे भाई रुक जा, मुझे कुछ ये जगह सही नहीं लग रही, क्योंकि ढाबा मुझे कुछ अजीब दिख रहा है। कुछ नहीं है अर्जुन, डरा इसलिए तेरे को ऐसा लग रहा। चल तू